हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम राजेश कुमार और आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर यदि कोई टेक्स्ट या सेंटेंस या कुछ पैराग्राफ्स है या कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर हम इमेजेस को कैसे इंसर्ट कर सकते, पिक्चर को हम कैसे डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ कि आप किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो आपके तक आसानी से पहुँच जाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एमएस वर्ड को ओपन कर लें। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे ले आना है। कुछ आपको यदि टाइप करना है कुछ तो हम सिंपली आपको बताने के लिए यहाँ पे हम फिलहाल इस फॉर्मूला का प्रयोग हम करते हैं। फॉर्मूला को प्रयोग करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं इसका हम थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज कर देते ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हम इसका साइज हम बढ़ा कर दिए। अब हमको यदि मान लीजिए कि हमको इसी के अंदर हमको कहीं पर भी हमको इमेज चाहिए, किसी भी चीज का इमेज चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हम डॉग पे हम स्टोरी लिख रहे हैं या मतलब किसी पे निबंध लिख रहे हैं तो उसका हम यदि हमको इस पे फोटो डालना चाहते हैं तो कैसे किस तरह से आप डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए। पिक्चर में जाने के बाद आप सिंपली जिस फाइल या फोल्डर में का पिक्चर है वो पिक्चर आप ओपन कर लीजिए। मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ये पिक्चर हम लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम इसका पोजीशन टेक्स्ट शेप में इसको हम थोड़ा सा मूव करवा लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम पिक्चर को सबसे पहले आप इंसर्ट कर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। अब इसके अंदर आपको जहां पर भी आपको पिक्चर चाहिए साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। मान लीजिए कि पिक्चर आपको यहां पे चाहिए। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए पिक्चर आपको यहाँ पे चाहिए और यदि यहाँ पे आपको इसके बारे में और कुछ डिटेल देना है तो आप दे सकते हैं, और यदि आपको और भी पिक्चर चाहिए तो आप पिक्चर को इंसर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी अपना जो भी टेक्स्ट पर जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप स्टोरी डालना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का बनाने का सिर्फ खास मतलब यही था कि आपको किसी भी टेक्स्ट के अंदर आपको पिक्चर आप कैसे डाल सकते हैं, पिक्चर आप कैसे रख सकते हैं। यदि आप किसी पर भी स्टोरी बनाते हैं तो आपको उस समय आपको अक्सर जरूरी पड़ता है कि आपको पिक्चर के साथ आपको कुछ एडिट कुछ टाइप करना रहता है। तो फ्रेंड्स,
ये यदि रिमूव नहीं है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है, और यदि आपको यहाँ पे हम तो मैंने बताया दिए, इस पर डबल क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टेस्ट रैपिंग में स्क्वायर टाइट जो भी आपको लेना है वो ऑप्शन लेके आप रिमूव करवा सकते हैं खुद पर खुद, तो जहाँ पर भी चाहिए इमेज वो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। देख रहे फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि इस वीडियो में यदि किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत या परेशानी होती तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, उसके बारे में ज़रूर जानकारी दूंगा कि आपको किस तरह से आपको पिक्चर डालना है। और ऐसे मैंने इस वीडियो में बता दिया, आपको दिक्कत तो नहीं होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ दिन हो।